हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आ गए एक और नए वीडियो के साथ हम। तो चलिए आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि जावा में जीयूआई बेस्ड कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग कोई भी एक आईडी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेटबीन्स आईडी यूज करते हैं क्योंकि जावा में सबसे अच्छा कोडिंग करने के लिए नेटबीन्स आईडी है। तो आ गए हम अपने नेटबीन्स आईडी में और यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं अपने फाइल मेनू में और न्यू प्रोजेक्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा जो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का जो पॉपअप मैसेज है वो आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जावा विथ एंड सेलेक्ट करेंगे और जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से हम लोग को अपना प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो काल का हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं या फिर कैलकुलेटर, कुछ भी आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं। उसका जो मेन क्लास है इसको हम लोग अनचेक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको अनचेक कर लीजिएगा। मेन क्लास को अनचेक करने के बाद हम लोग फिनिश पे क्लिक करते हैं इसको। तो ये मेरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ जो डिफॉल्ट पैकेज है इसको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करके देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक जे फ्रेम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक नया जे फ्रेम ले लेंगे। तो चलिए इसका भी नाम हम लोग कल के दे देते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे मेरा एक नया जे फ्रेम बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एक जे फ्रेम बन रेडी हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिजाइनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद इसके बैक एंड कोड भी देखेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डिजाइनिंग देख लेते हैं। तो जैसा कि कैलकुलेटर मेरा रहता है उस तरह से इसको पहले डिजाइनिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ऊपर में एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे ताकि जो भी मेरा एंट्री करने के लिए डाटा रहेगा यहाँ ऊपर में करेंगे। चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ तक। और एक लेबल ले लेते हैं ऊपर में। ताकि जो भी हम कैलकुलेशन करें ऊपर में मेरा ये शो होते रहेगा। चलिए इसका टेक्स्ट को हम लोग हटा देते हैं। नेम रहने देंगे, नेम टेक्स्ट हटा देंगे। देन इसके भी टेक्स्ट को हम लोग क्लीन कर देंगे। और इसके बाद बटन्स ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक रेडियो बटन ले लेते हैं जिसमें हम लोग ऑफ ऑन का फैसिलिटी दे देंगे। तो पहले तो हम लोग ऑन करने के लिए दे देते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑफ ऑन के बाद हम लोग क्या करेंगे, बटन्स लेना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए पहला हम कैलकुलेशन के लिए बटन ले लेते हैं, इक्वल टू इस पे दे देते हैं। और इसके साइज को हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। तो पहले ले लेते हैं, उसके बाद एक बटन क्या ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बैक बटन ले लेंगे और कैंसिल भी बटन ले लेंगे। तो पहले कैंसिल बटन ले लेते हैं और इसके बाद एक बैक बटन ले लेते हैं यहाँ पे। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो जो मेरा बैक होता है कैलकुलेटर में वो यहाँ से हो जाएगा। और उसके बाद नंबरिंग बटन ले लेंगे 1 से लेके 9 तक और एक 0 के लिए। तो चलिए ले लेते हैं पहले इसको 1। इसको चलिए कॉपी कर लेते हैं देन पेस्ट करेंगे। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। चलिए सब बटन पे हम लोग नाम लिख देते हैं। तो ये 2 के लिए हो गया, देन इसके लिए 3 के लिए और ये 4 के लिए। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
चलिए इसको फिर से कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं तीन और, तो इसको नीचे लेके आ जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं कि जैसे कि डॉट सिंबल ले लेते हैं, देन इसके बाद यहाँ पे हम लोग जीरो ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस या माइनस का ले लेते हैं, ताकि अगर हम इस पर क्लिक करें प्लस या माइनस मेरा हो जाएगा प्लस या फिर माइनस, अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देगा और प्लस रहेगा तो माइनस कर देगा मेरा। और इसके बाद हम कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे ले लेंगे, तो चलिए फिर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको। सेलेक्ट करेंगे थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएंगे, और इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो चलिए इसको भी इसके साइज में लेके आ जाते हैं, और इसको भी हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि ज्यादा बड़ा नहीं रहे मेरा। देन इस सबको हम लोग ऊपर लेके चले जाते हैं, सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और एक साथ ऊपर हम लोग लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिजाइनिंग अपना कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आ गया मेरा साथ में, तो अभी सबको जो फॉन्ट है ये फॉन्ट हम लोग चेंज कर लेंगे। तो सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आ जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे तो उसका देखिए यहाँ पे आपको फॉन्ट एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो फॉन्ट पे हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग बोल्ड सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद इसका साइज भी इंक्रीज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं इसका इंक्रीज हो गया है, तो लेकिन अभी भी ये कम ही लग रहा है, तो हम लोग चलिए इसका भी साइज थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, फिर से आ जाते हैं प्रॉपर्टीज में और इसका फॉन्ट हम लोग फिर से चेंज कर देते हैं। तो अब देखिए साइज इंक्रीज हो गया है, देन इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और इसका जो उसका जे फ्रेम को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यानी तो यहाँ से भी हम लोग सिलेक्ट करके आ जाएंगे इसके प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे कोड में आ जाएंगे और जेनरेट सेंटर कर लेंगे, ताकि जेनरेट जो होगा मेरे सेंटर में हो। तो चलिए रन करके इसको देखते हैं हम लोग कि ये मेरा कैसा हो रहा है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मेरा कैलकुलेटर बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इस पे हम लोग कोडिंग कर लेंगे कि जैसे इस पे क्लिक करें तो मेरा ही हो जाए। चलिए इस साइड का भी बाकी है, इसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्लस का सिंबल दे देते हैं, देन यहाँ पे हम लोग माइनस का, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं डिवाइड का। चलिए ये हो गया, तो अब फिर से रन कर लेते हैं और देखते हैं कुछ बाकी भी रह गया क्या। देखिए जैसे 8 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाना चाहिए। तो अभी जैसे कि इसमें टाइप कर रहे थे हम लोग लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो कैलकुलेटर में क्या होता है कि राइट साइड में आता है। जैसे कि किसी की कैलकुलेटर को हम लोग अगर ओपन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा ये राइट साइड में क्लिक हो रहा है, और जैसे प्लस पे क्लिक करते हैं तो मेरा ये ऊपर में शो होता है। तो अब सेम इसी तरह से हम लोग बनाएंगे, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसको राइट में कैसे करेंगे। तो क्लोज करते हैं, आ जाएंगे फिर से अपने डिजाइनिंग वाले पार्ट में, और इसको सिलेक्ट करके इसके आ जाएंगे प्रॉपर्टीज में, और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे इसका, देखिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे राइट कर देंगे और क्लोज पर क्लिक कर देंगे। देन इसका जो है इसका भी हम लोग प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, जो लेवल लिए थे उसका भी हम लोग
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है तो इसको हम लोग राइट कर देंगे, क्योंकि इसका भी राइट से चाहिए हमको। ओके अब चलिए इसको रन करके देखते हैं हम लोग। जैसे अब रन किए हैं तो अब जब हम कुछ भी लिखेंगे तो मेरा ये लेफ्ट साइड में लिखाएगा, देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लिखना है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं अब इसका बैक इन कोड क्या क्या होगा। तो आ जाएंगे अपने डिजाइनिंग वाले पार्ट में। अब इसमें से हम लोग को कोडिंग क्या करना है, तो जैसे वन पे क्लिक करें तो मेरा इसमें वन आ जाना चाहिए, एंड टू पे क्लिक करें तो टू आ जाना चाहिए, फिर थ्री पे क्लिक करें थ्री, और जब हम प्लस पे क्लिक करें तो जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में रहे मेरा लेवल में आ जाएगा। और उसके बाद हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करें और इक्वल टू पे क्लिक करें तो मेरा कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो पार्ट वन में हम लोग देख लिए हैं इसका कि कैसे डिजाइनिंग करेंगे, तो अब इसके बाद हम पार्ट टू जल्दी लेके आएंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे इसका बैक इन कोड होगा और कैसे ये ऑफ ऑन बटन है तो ये कैसे मेरा वर्क करेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो फिर हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर हम वो नेक्स्ट वीडियो बनाएं इसका पार्ट टू तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं।